मतलब बाइट कर रही है फिशेस, बट वो कहते हैं डेड स्किन निकालता है। बारिश बहुत हो रही है तो मुझे भीगते भीगते जाना पड़ेगा। इतना ज्यादा विंडी था, मैं 10 मीटर भी नहीं जा पाया। आप ये ना हो रिजर्वेशन करके जा रहे हैं तो बेकार खाना। साज इज बेटर देन कनाडा। बस नेल पेंट और इसी पे फोकस था, कोई कुछ स्क्रब नहीं करा, कुछ नहीं किया। गिव अवे करेंगे हम इसलिए महारिस का। So, आज है स्पा डे, मैं पहले जा रही हूँ, आरव का ध्यान रख रहे हैं हरमीत, एंड देन वो उसको लेके वहाँ आ जाएंगे एंड मैं उसे लेके वापस आ जाऊंगी एंड वो अपना मसाज कराएंगे। मस्त प्लान है। सो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था बट अभी सो जाएगा वो, सो मैनेज हो जाएगा। बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, सुबह बारिश हुई थी, बिल्कुल जैसे गोवा साइड या बैंगलोर का वेदर था ना वैसा हो रहा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही, सो अच्छा लग रहा है काफी। एंड पास में ही ये फेरी स्टेशन है, यहीं से हम कल इजले मोहारिस की फेरी लेंगे, बहुत ही पास है होटल के। ऑलमोस्ट रीच माई स्पा, 5 मिनट्स की वॉक थी, बिल्कुल स्ट्रेट था एंड यार बिल्कुल सब टूरिस्ट आराम से घूम रहे हैं, कोई यहाँ पर डर वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने वीडियोस में बोला है बट हमें ऐसा टचवुड नहीं फील हुआ, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, स्पेनिश में बोलते हैं बट हाँ ठीक है, वो समझा लेते हैं अपनी बात। सो मैं 10 मिनट्स अर्ली आ गई थी तो उन्होंने बोला कि अभी अंदर मसाज चल रहा है किसी और का, तो वो मुझे फिश स्पा फिश मसाज दे रहे हैं। ये हमने बैंकॉक में कराया था तो थोड़ा सा ऐसा ना लगता है कि मतलब बाइट कर रही हैं फिशेस, बट वो कहते हैं डेड स्किन निकालता है, थोड़ा डर भी लग रहा है बट ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए कर लेती हूँ मैं ये। सो जो मसाज वाले हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फिश है स्पेशल टाइप की फिश होती है जो डेड स्किन खाती हैं एंड ये टर्की की होती हैं, सो आई डोंट नो जो बैंकॉक में होती है वो कहाँ से यहाँ लाते हैं, बट ये डिफरेंट, थोड़ी सी टिकलिंग हो रही है बट अच्छा भी लग रहा है एंड इतने सालों बाद कराया ना आज, क्योंकि वहाँ पे ट्राई किया था एक बारी तो ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस, जब तक वेट कर रही हूँ तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिल गया मुझे यहाँ पे, चीज बढ़िया है। मसाज एंड फेशियल डन हो चुका है, अब मैनिक्योर पेडिक्योर कराती हूँ, बहुत ही अच्छा था मसाज, तो बहुत ही अच्छा था, मजा आया। जो फेशियल है वो आई वुड से इंडिया में इस लेवल का आपको इजिली मिल जाता है, बट मसाज एक्सट्रीमली बहुत अच्छा था, एक्सट्रीमली गुड। आज बारिश भी हो रही है और वेव्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो पूल में भी कम लोग हैं, बाहर भी कम लोग हैं, आई थिंक घर पे बैठे हैं सारे आज, होटल रूम में बैठे हैं। सही दिन चूज़ किया हमने स्पा कराने का, बिकॉज आप बाहर जा नहीं सकते आज, पूल में भी कोई नहीं जा रहा, मे भी ठंड लगी, वेव्स बिल्कुल क्रेस्ट हो तक आ चुकी है। देखो जहाँ पे कल फायर शो हो रहा था बहुत ज़्यादा वेव्स, मनप्रीत को ऑलमोस्ट डन हो गया, बारिश बहुत हो रही है तो मुझे रिजॉर्ट से लेनी पड़ेगी अम्ब्रेला, भीगते भीगते जाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा विंडी था, मैं 10 मीटर भी नहीं जा पाया, बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवा चल रही है, तो ऊबर करी है, लकीली मेरा कार्ड चल गया, ऊबर में डाला हुआ था, $83 लगे हैं मेक्सिकन, विच इज़ लाइक $7 कनेडियन। तो आरव जी एंड हरमीत जी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है बाहर, बारिश आ रही इतनी ज़्यादा, इवन अम्ब्रेला भी होल्ड नहीं कर पा रहा बिकॉज बहुत विंडी था, तो उन्होंने ऊबर करी है वहाँ से, बिकॉज इसकी फिर कार्ड गिली जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है एकदम से, इवन दो मैप में और वहाँ नहीं दिखा रहा, वेदर फोरकास्ट में नहीं दिखा रहा कि बारिश है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब हर मित्र आते हैं अपना मसाज, में भी हम लोग उबर करके वापस जाएंगे। आते हुए मैं अच्छे मौसम की बात कर रही थी एंड अब एकदम तूफान आ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश एंड बहुत विंडी हो रहा है, तो इसमें तो अपने आप वॉक करके जाने का तो सेंस नहीं बनता, मे भी उबर करेंगे या फिर आई जस्ट वेट हेयर, बस बहुत बुरा हाल है बाहर। सो पार्लर का एक्सपीरियंस मनप्रीत जी शेयर करेंगे, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने बता दिया थोड़ा सा, बट पहले डिनर करके आते हैं, तो जो हमें 5 कोर्स वाला रेस्टोरेंट अच्छा लगा था वहीं पे आज हम अपना फेयरवेल डिनर करेंगे, रिजर्वेशन करके कर जा रहे हैं, तो जनरली क्या होता है रिजर्वेशन जब भी करके जाते हैं ना तब बेकार होता है, वैसे अगर तुम रैंडमली जा रहे हो तो अच्छा खाना मिल जाता है, आप ये ना हो रिजर्वेशन करके जा रहे हैं तो बेकार खाना होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट हमारी यहाँ पे नाइट है, इसकी एंडिंग हो रही है मैजिक शो से, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, लाइट्स दिख रही हैं बाहर से, सो एंजॉय करते हैं।
How was the magic show? भाई मजेदार, मेरे को तो एक भी मैट्रिक ढूंढ रही थी कैसे कर रहे हो मुझे एक भी समझ नहीं आया, बट अच्छा लगा यार। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, मतलब कितनी आंखों की वो है कि हाथ की सफाई पता नहीं क्या बोलते हैं, बट एकदम ऐसे ब्लिंक करते ही चेंज हो रहा था, तो मेरे लिए तो वो फन था, और जिसको दिखाने लगे थे वो सो गया। ये भी मेरी गलती है। पार्लर का एक्सपीरियंस तो बता दो। मसाज अच्छा था। मसाज इज बेटर देन कनाडा। मसाज कनाडा में जितना हमने जो भी कराया आज तक उससे बेटर था। जो रजिस्टर्ड मसाज होती है, RMT होता है, उसमें होता है वो हमारा कवर्ड होता है तो फ्री पड़ जाता है हमें, या हमने पैसे दिए। उसके अलावा फेशियल जो था, मतलब नॉट गुड इंडिया में। इवन आप लोकल पार्लर में जाओगे तो वहाँ भी इससे अच्छा होता है। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये वहाँ हैंड से बहुत अच्छे से करते हैं मसाज। इवन तो मतलब बहुत हाई एंड वाले भी जहाँ जाते हैं उसमें मशीन्स भी यूज होती है, बट हाथ से भी करते हैं मसाज, तो वो यहाँ मिसिंग था। पेडिक्योर इज वर्स। पेडिक्योर मैनिक्योर, बस नेल पेंट और इसी पे फोकस था, कोई कुछ स्क्रब नहीं करा, कुछ नहीं किया, तो वो तो वेस्ट था। मतलब अगर आप आ रहे हो कैनकुन और आपको मसाज करानी है तो सिर्फ मसाज कराना और कुछ मत कराना। ये हमारे जो हमने जो अपना खर्चा कराया है, जो अपना इकट्ठा कराया है, उससे आप सीख सकते हो। यू ट्राइंग टू से कि यू आर गोइंग टू इंडिया फॉर पेडिक्योर? यार हम जाते तो जरूर जाते हैं। को है जी, अभी OCI नहीं आया हमारा, आएगा तो फिर जरूर जाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, ये बस अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना चाहते हैं। आप बताओ आपका कैसा रहा? पहले तो ये बताओ कि जब यहाँ से गए तो कैसे, क्या हालात थे बाहर के? हाँ, बारिश ऊबर करके गया हूँ मैं। हाँ, क्योंकि हम दोनों होते तो हम शायद पैदल चले जाते हैं, बट ये महाराज थे ना हमारे साथ में, इनकी स्टॉलर भी था और हम जाएं, है ना।